हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ संजय रावत और आप सभी का स्वागत है संजय रावत ब्लॉग्स में। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग कर रहा हूँ मैं सुबह के 9 बजे से स्टार्ट, और मैं जा रहा हूँ आज भरपूर गांव में, क्योंकि आज भरपूर गांव में भूमि पूजा जा रहा है। तो दोस्तों, भूमि पूजन के लिए हर एक परिवार से अनाज मांगा जाता है, जो कि सब देते हैं, अनाज देते हैं। अनाज में हो गया चावल, हो गया आटा, हो गया दूध, हो गया घी, हो गया ये सब हम लोग मिल बांट के इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद हम पकवान पकाते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आजकल बारिश के कारण कितना फिसलन वाला रास्ता हो चुका है। ये देखिए, पूरा घासी घास, गीला कीचड़ और एकदम क्या बोलते हैं, फिसलन बहुत हो गया है, ये देख सकते हैं। ये देख सकते हैं कितना कीचड़ हो गया है। तो मैं भी पहुंच चुका हूं पंचायती चौक पे, जहां पे भूमि पूजन के लिए भोग बनाया जाता है। तो ये देखिए, आप सब देख सकते हैं, सभी लोग पहुंच चुके हैं और सब अपने अपने काम पे लगे हैं। ये देख सकते हैं सभी लोग, ये देखिए रूपा हाय कर रही है आप लोगों के लिए, सभी लोग आ गए। तो दादी बोला तुम हाँ कि हमारे पुराने को हमते बताई ऊंचा है ना, हमारे 12 गांव ऊंचा शिव जी का मंदिर, माता रानी को जो भी चाहिए हमारा हम उठाइए मन दक्षा पुराने बचे। और अब मतलब सोना में ना सोमवार दिन पूजता हुआ 12 गांव कुछ बस वही पूजा तेरे के हम हो जाए तभी चाहिए हमारा, तब ऊ पूजा दे दो हम पुराने बचे के छा बस ये और बलड़ा भी चढ़ी दी ये मन। हाँ सुने तो अब भोग बनंद हलवा पूरी पकौड़ी खीर और फिर जो हमारी फसल होती है उनको चढ़ाते हैं। हाँ हाँ हाँ। और भेंट बस ये हमारा पुराने से ही पता है हमें। हाँ हाँ हाँ। बस ये ठीक है। हाँ, तो दादी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि दादी जी ने हमें इस बारे में बताया, भूमि पूजन के बारे में बताया दादी ने हमें, कितने प्यारे तरीके से। तो धन्यवाद दादी जी आपका। मुझे भूमि पूजा जा रहा है। हाँ ठीक ठीक। गुरुजी ठीक ठीक। ये हमारा धर्मा दादा, आग जलाई जा रही है धर्मा दादा द्वारा, ये देखिए। ये हमारे चाचा जी। हाय हाय गारा बड़ी, हाय गारा दादी, हाय गारा, हाय गारा ब्लॉग ब्लॉग। ये देखिए शिवानी, शिवानी भी पहुंच गई है किरतपुर से। ये देखिए ये खीर बन रही है, खीर में भैया डाल रहे हैं इलायची, और ये हमारे चाचा जी और भैया जी बना रहे हैं खीर, इनकी ड्यूटी लगी है खीर पकाने की। ये हमारे फूफा जी, बुजुर्ग आदमी सबसे बुजुर्ग आदमी हमारे गांव के। अरे टोक दिए। और ये पूड़ियों के लिए आटा लग चुका है, और शिवानी और मौसी लोग लगा रहे हैं पुओं के लिए आटा। और ये देखिए, ये हमारे मौसी जी भी हैं, मौसी जी भी आ गई है। हाय तो कह जावा साहब कारा। सब लगे हैं, सबको अपने अपनी ड्यूटी बांट रखी है। ये देख सकते हैं आप लोग, कोई आलू छील रहा है। ये हमारे प्रधान जी हैं।
देख सकते हैं प्रसाद की कंडी लगनी स्टार्ट हो गई है और मेरी ड्यूटी लगी है असुरगढ़ी जाने की। तो मैं जाऊंगा असुरगढ़ी, तो ये वाली कंडी मैं ले जाऊंगा। तो आप देख सकते हैं चाचा जी और ताई जी कंडी लगा रहे हैं। तो चलिए, तो दोस्तों मेरी ड्यूटी लगी है असुरगढ़ी जाने की, और हमारे गांव में हर मंदिर पे जाया जाता है और हर किसी की अलग अलग ड्यूटी लगाई जाती है। कोई देवी मंदिर पे जाता है, कोई पंद्रह के रोल जाता है, वहाँ भी शिवालय है, कोई दीवा मंदिर में जाता है, कोई असुरगढ़ी जाता है। तो इस बार मेरी ड्यूटी लगाई गई है असुरगढ़ी जाने के लिए। आधे रास्ते तक अब आ गए हैं हम, इसलिए मेरा सांस फूल रहा होगा, आप लोग बोलोगे कितनी थकान लग रही है इसे, और अभी हमने काफ़ी ऊपर जाना है। तो चलिए आगे का ब्लॉग मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ कि कैसे कैसे पूजा की जाती है, तो बने रहिए आप मेरे साथ ब्लॉग में। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं असुरगढ़ी, देख सकते हैं आप, मेरे साथ ही पहुँच गए हैं आगे और मैं पीछे ही रह गया। हाय, ये देख सकते हैं आप लोग, असुरगढ़ी का ब्लॉग भी बनाऊंगा दोस्तों एक दिन अलग से। अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए हमने पूजा करके फटाफट नीचे जा रहा है, क्योंकि लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ। जब तक हम वापस नहीं जाते तब तक किसी को प्रसाद नहीं मिलता है। तो चलिए, सभी मंदिरों में भोग लगने के बाद अब प्रसाद वितरण होने लग गया है। प्रसाद में है पूरियां, पुए, पकौड़ियां और हलवा, खीर, और ये देख सकते हैं सभी लोग अपने अपनी प्रसाद की पन्नियां पॉलिथीन लेके जा रहे हैं घर को। ये देखिए खीर है, हलवा है, तो अब हम भी लेते हैं और चलते हैं घर को। देख सकते हैं सब अपने अपने हिस्से का प्रसाद लेके चले गए हैं। ये देखिए चला ठीक चलता है, ये देख सकते हैं थाली जा रही है भोग की, ये प्रसाद है, ये देख सकते हैं। रुक जावा मैं अच्छा यूं तो पर ये देखिए, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। चलिए तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और जो भी मेरे चैनल पे नए व्यूवर्स हैं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ऐसे ही नए अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने के लिए। तो जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, धन्यवाद दोस्तों।